पार्थिवतुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो आनंद कंद भगवान की। हाँ प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस। भाइयों, हमारे महान आदरणीय शिव सिंह यादव, श्रीमती राम मिठानी, इंजीनियर साहब रामपाल सिंह यादव, श्रीमती श्यामा यादव, इंजीनियर आशीष यादव, श्रीमती रीना यादव, इंजीनियर शिवेंद्र यादव, श्रीमती गीता यादव और कुमार मृदुल कुमार कुंज, ये दोनों बालकों की महान आयु हो, बड़ी आयु हो, इसी उपलक्ष में यहां पर 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है शिवेंद्र यादव ने, गीता यादव ने, परमपिता परमात्मा के नाम पर संत भगवानों को बुलाकर और आप जैसी पुण्य आत्माओं को बुलाकर किस धरती का कर कर धन कर दिया। भाइयों, संसार के अंदर जो हम और आप आए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि बहुत बड़ा वैभव हमने उत्पन्न कर लिया, औरत औलाद शौहरत सब कुछ पैदा कर ली। इस संसार में आने का एक कारण है विद्वानों की नजरों में, धर्म धन कमा करके इस तरह यश की कीर्ति को फैलाते हुए जाओ कि लोग सदियों तक तुम्हें याद करते रहे। भाइयों, धन साधन है, साधन नहीं है। मैंने कहा धन से तुम्हें बिस्तर तो मिल जाएगा, नींद नहीं मिलेगी। धन से तुम्हें रसमलाई लड्डू मिल जाएंगे, भूख नहीं मिलेगी। धन से तुम्हें नौकर मिल जाएंगे, पुत्र नहीं मिलेगा। धन से तुम्हें औरतें बहुत मिल जाएंगी, पत्नी नहीं मिलेगी। धन से तुम गीता कुरान खरीद लोगे लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। धन साधन है, साध नहीं, साध धर्म है। और ये भी बता दूं, जब धर्म पर चलोगे तो सामने दीवारें आएंगी, चट्टाने आएंगी, तूफान आएंगे। अभी आपने हमारे शिष्य सुरजन चैतन्य के मुंह से सुना कि परम भक्त प्रहलाद के सामने कितने तूफान आए, लेकिन तूफानों से डरने वाला कायर होता है, तूफानों से टकरा करके मुकाबला करने वाला लोग उसी का नाम लेते हैं। आज परम भक्त प्रहलाद को उस पापी ने खम्भ से बांध दिया और कहा बोल तेरा राम कहां है, तो परम भक्त प्रहलाद कहने लगे स्वयं सर्वभूतान ज्ञात्वा मत्स्यात्मचत, मेरा परमात्मा सर्वभूतों में व्यापक है, हम में है, आप में है, खम्भ में है, तलवार में है। हिरणों को सब कहने लगा तलवार में भी है, हाँ खम्भ में भी है, हाँ एकदम से खम्भ पे खड़क प्रहार किया, आज वे भी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए शेर की तरह दहाड़े। और भक्तों, इस तरह से हिरणों को सब को दबोचा जैसे बाज बटेर को दबोचता है। उसने क्या वरदान मांगा था, न भीतर मरू न बाहर। भगवान कहने लगे देख, न तू भीतर है न बाहर, देहरी पर है। तूने वरदान मांगा था न ऊपर मरू न नीचे, न ऊपर है न नीचे, मेरे घुटनों पर है। तूने वरदान मांगा था न नर से मरू न पशु से, देख मैं नर हूं या पशु। हिरण्यकश्यप कहने लगा ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं। तूने वरदान मांगा था कि 12 महीना में 1 महीना में न मरूं,
तो मैंने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके 13वां लोंद का महीना बना के तैयार किया तेरे लिए। तूने वरदान मांगा था हथियार से न मरूं, देख मेरे हाथ में कोई हथियार है नहीं। लंबे लंबे नाखूनों से भगवान ने उसकी छाती में गड़ा करके फाड़ दिया, तरबूज की तरह दो खापे हो गई। मेरे भाइयों आज है ना कर सब थोड़ा तड़फा, लहाज को फेंक दिया और प्रहलाद को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, जीभ से भगवान भक्त को चाटने लगे और कहने लगे, पुत्र अग्नि में जलायो तोई गिरिशे गिरायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में, जेर भी खबायो तोई हाथ सो कुछ लायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में, जहर भी खबायो तोई सांपन सो डसायो तोई, और कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में, मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए पूत मोह को देर हो गई आने में। मेरे लाल हमें आने में देर हो गई, मेरे लाल मुझे क्षमा करना, और भक्त को भगवान चाटने लगे। बहना हो तुमने कभी अपो लला को चाटो, तुमने लला के गाल चूम लिए होंगे, माथो चूम लो है, होठ चूम लिए होंगे, लेकिन तुमने अपने पुत्र को कभी चाटा नहीं होगा। भगवान भक्त को चाट रहे। मेरे भाइयों फिर प्रहलाद को नीचे खड़ा कर दिया और शेर की तरह दहाड़े दहाड़ करके बाकी आंखें निकाल निकाल के फेंकने लगे। इतना भयंकर क्रोध है कि भगवान की आंखों से ज्वालामुखी फट रही है। मेरे भाइयों देवता घबरा गए, प्रहलाद से कहा, पुत्र तुम मना लो प्रभु के क्रोध को, ठंडा कर दो लाल। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन भगवान इतने क्रोध में, भक्तों जिधर देखते हैं उधर ज्वाला की लपटें सी फूट रही। एक देवता कहने लगा, भैया अब क्या होगा, ये तो विश्वव्यापी हलचल पैदा हो गई है, भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हो रहा। एक देवता बोला, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान मैया लक्ष्मी मना लेंगी प्रभु को, और ये बात बिल्कुल सही है। लोगों पति कितनों गुस्सा में होए, कितनों गुस्सा में होए, और पत्नी नेक मुस्कराए के दो शब्द कह दे, हाय दैया डालडा हो जात। नेक पत्नी मुस्कुरा के दो शब्द कह दे, डालडा हो जात। देवता भागे मैया लक्ष्मी के पास गए, बोले माँ नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में है, सारे देवताओं के हाथ पैर फूल गए हैं, माँ चलो प्रभु को बना लो। मैया लक्ष्मी बड़े घमंड में चली, लचक लचक के चली, मचक मचक के चली, और भगवान के सामने आई और हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कह पाया, प्रभु एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी पीछे देखती जाए भागती जाए, देखती जाए भागती जाए, तीन पटके लगी क्षीर सागर में, तब आ पाए तीन पटके लगे। अब क्या होगा, अब भगवान का क्रोध कैसे ठंडा होगा। भगवान भूतनाथ भोले बाबा बोले, वीरभद्र जब विष्णु से कह दो कि जब हिरण्यकश्यप मर गया फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा है। वीरभद्र आए, तत्तम सुपत्तम शुणोत वाक्यम, मेरे वचनों पे ध्यान दो विष्णु, जब हिरण्यकश्यप मर गया फिर आप देवताओं को भयभीत क्यों कर रहे हो, तुम अपनी औकात में आ जाओ। नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा, विष्णु मुझे तेरे नाती शिव ने भेजा है, मुझे तेरे नाती शिव ने भेजा है, अगर नहीं मानोगे जब तुम सूकर बने थे तुम्हारी दुर्गति की थी हमने, उससे ज्यादा कर दूंगा। सोई नरसिंह भगवान वीरभद्र पर टूट पड़े, वीरभद्र ने लंबी पूंछ बढ़ाई और नरसिंह भगवान को लपेट लिया, ले गया आसमान में, फिर पटका जमीन पर, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका जमीन पर, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका जमीन पर, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका जमीन पर, चौथा पटका लगा, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गया।
वीरभद्र ने खाल उतार ली और वही खाल जाकर भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दी। जिस बागम्बर पर बैठकर भोले बाबा डमरू बजाते हैं, सून में समांत लगाते हैं, ये बागम्बर भगवान नरसिंह की खाल। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आप लोग सोच रहे होंगे नई बात सुन रहा हूं आज, बहुत नई बातें हैं जिन पर तुम्हें गौर करना होगा। भगवान शिव जिस बागम्बर पर बैठकर डमरू बजाते हैं, ये नरसिंह भगवान की खाल है। और उसी समय हिरण्यपुर के राजा प्रहलाद बन गए। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, बड़े धर्मात्मा थे। और इधर 500 मुद्राएं, हमारा शिष्य सुरजन चेतन, जो प्रथम शिष्य जिसने हमारे नाम को रोशन किया, 500 मुद्राओं से मेरा सम्मान करता भगवान इस बच्चे को, सर्वदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, जो धर्म पर चलकर हमारे नाम को रोशन करते रहे। और शिवेंद्र यादव जिन्होंने हमें 1100 मुद्राओं अर्पित करके सम्मानित किया है, गीता यादव के नाम से मुद्राएं हमें प्रदान हुई हैं भगवान, इन अध्यापिका जी को सीता जैसी शक्ति प्रदान करें जो धर्म पर चल करके आने वाली पीढ़ी को दिशा निर्देशित करती रहें। मेरे भाइयों, विरोचन बड़े धर्मात्मा राजा थे। और एक बात और बताऊं लोगों, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती। अच्छे माँ बाप की औलाद को तुम गली में पहचान लोगे, गली में लड़के खेल रहे होंगे और तुम पहचान लोगे, क्योंकि अच्छे माँ बाप के बच्चे तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। तुम समझ लेना इनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। एक गांव में हमारे दोस्त मर गए एक्सीडेंट में, तो मैं गया, गली थी छोटी, तो हमने ड्राइवर से कहा हम गाड़ी नहीं जाएगी उनके दरवाजे तक, तुम गाड़ियां खड़ी किए रहो, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। लोगों हम चले सुबह गली में, बच्चा खेले गांव का, एक दूसरे पे धूल मारे, पूरी गली में अंधेरा, मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर सोचने लगा कि बच्चे मेरी तरफ देख के धूल बंद कर देंगे, मगर बच्चे नहीं रुके। तो मैंने कहा लाओ इनका चित्ता पर तरफ मोड़े, तो हमने कहा बच्चों नमस्ते, अब सब बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिए, आ गए शादी वाले, आ गए शादी वाले, हमें शादी वाला समझ बैठे। तो याद रखना लोगों, अच्छे माँ बाप के बच्चे आप गली में पहचान लोगे। राजा प्रियव्रत धर्मात्मा थे, उसी तरह से विरोचन धर्मात्मा है, प्रहलाद धर्मात्मा थे, विरोचन धर्मात्मा है, अमरीश धर्मात्मा थे, उनके बच्चे भी धर्मात्मा हैं। इसीलिए कहा है कि माता पिता को धर्म पर चलना चाहिए। मेरे भाइयों, एक बार देवराज इंद्र ने परीक्षा ली विरोचन की, बिल्कुल बूढ़ा बन गया, ब्राह्मण बन गया, और कांपता हुआ आया, बोला हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना यौवन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना यौवन दे दिया इंद्र को और बुढ़ापा ले लिया। इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन हो देवराज। इंद्र कहने लगे विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता और वैसे तुम निकले, लेकिन याद रखना 13वां देवासुर संग्राम जो हुआ है उसमें विरोचन मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम कहां हुआ जानते हो? पहला देवासुर संग्राम हुआ जो 300 वर्ष चला, सोने की खान के ऊपर। और ये 13वां देवासुर संग्राम हुआ है मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन माया और माया का पति समर, समर की मदद करने गया है विरोचन, वहां मारा गया, जिसमें देवोदास, पांचाल नरेश, देवराज इंद्र, केकई, महाराजा दशरथ, इसी 13वें देवासुर संग्राम में वरदान दिया था दशरथ ने केकई को।
इसी तेरहवें देवासु संग्राम में विरोचन मारे गए और विरोचन के बेटा हुए हैं राजा बलि। राजा बलि बड़े धर्मात्मा राजा थे। दैत्यों के राजा होने पर सारा जीवन उनका दान पुण्य यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाते थे। जो राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता वो विमुख नहीं जाता था। और एक बात और बताऊं भक्तों, मेहनत का दसवां हिस्सा धर्म में लगाते थे तो तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, हमने देखा जो गंगा को पुल पार कर रहा और 5 रुपया लिए गंगा में फेंक दिए। गंगा का 5 रुपया बीड़ी का बंडल खरीदेगी या मूंगफली? अरे 5 रुपए का गरीब को दे देता उसका नमक आ जाता। लोगों 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का रोज जा रहा है पानी में। इतनी नदियां हैं और गमार नदियों को पार कर रहे हो, पैसा फेंक रहे। तुम फेंक देते हो, मछुआरे चुम्बक डाल के निकाल लेते हैं। शाम को ठेका से बोतल खरीदते हैं, मछलियां बनाते हैं। एक बार ऋषि दयानंद को बहुत रोना आ गया। ढाई घाट में बैठे थे, एक महिला आई उनकी गोद में बच्चे की लाश। उस महिला ने बच्चा तो नंगा फेंक दिया, गंगा में डाल दिया और कफन निचोड़ लिया। तो ऋषि दयानंद ने कहा, माता जी का जब बच्चे हो तो प्यारो कफन है, तो जो तुमने बच्चा नंगा फेंक दिया। वो आंखें में आंसू भर के बोली, स्वामी जी मेरे पति हमें छोड़ के मर गए। जब बच्चा को मेहनत करके पाल रही थी, कल इसको बुखार आ गया। पैसा नहीं था जो दवा लाती, जाके दिमाग में बुखार चढ़ गया, मेरी लला मर गयो। कफन नहीं था, हमने अब अपनी आधी धोती फाड़ ली, लला को लपेट लो। अब लला तो मेरो चलो गो, जब धोती में सी लूंगी तो 6 महीना चल जाएगी। ऋषि दयानंद रोने लगे और कहने लगे, ओरे हिंदू, तू मुसलमानों की कब्रों पर चादरें चढ़ा रहा है, तू पत्थर की मूर्तियों पर दौलत फेंक रहा है और सच्ची आत्मा भूखी नंगी घूम रही। मेरे भक्तों, जो हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाह उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गई। देवराज इंद्र घबरा करके, महाराज कमलेश के क्षीर सागर में पहुंचा। और एक बात और बता दूं आपको, उस समय राजा बलि तीनों लोकों का सम्राट था। इस इंद्र को हत्या लगी थी, यह कंदराओं में छुपा था, इसका अधिपत्य था। यह भी आपको बता दूं, गाय की हत्या लगी थी इसको। मेरे भाइयों, ये कैसा उदम मच रहा है, ये कैसा उदम मच रहा है। मेरे भाइयों, पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज हमें किसी तरह से हमारा लोक अर्पित कराइए। अगर 100वां यज्ञ इसका पूर्ण हो गया तो फिर इसके पंजा बहुत मजबूत हो जाएंगे। देवराज इंद्र पहुंचा है क्षीर सागर में और बोला, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे नाथ, मेरे देवता, मेरे हृदय के राजा, रक्षा कीजिए। कौन सी मुसीबत आ गई रक्षा के लिए? महाराज, पैरोचन का पुत्र राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा है। तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? अरे वो यज्ञ करने जा रहा, किसी का धन छिनाने नहीं जा रहा, किसी का दिल दुखाने नहीं जा रहा, किसी का घर जलाने नहीं जा रहा, किसी बहन बेटी का धर्म डिगाने नहीं जा रहा। अरे धर्म का काम करने जा रहा है तो तेरी छाती क्यों फट रही? बात ये नहीं है प्रभु, बात इसमें दूसरी है। क्या दूसरी? बोलो। सुनिए प्रभु, देवादि देवी महादान दे।
मेरे देवता मेरे हृदय के राजा रक्षा कीजिए। एक बात कहूँ बुरी न लगे कहिए प्रभु, वैसे हमारी बात बुरी लग जाती है, मैं खरी कह देता हूँ। हाँ तो सत्य तो कड़वा होता है लेकिन सत्य कहिए प्रभु। तो तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। क्यों लग रही है मेरी नियत कुत्ता जैसी? तुम्हें कुत्ता जब हड्डी को लेकर के अपने मुंह में लेके चबाता है हाँ। तो हड्डी में खून तो होता नहीं, नहीं। उसकी दांत से खून निकलता है और हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है हड्डी का खून है, हड्डी को नहीं छोड़ता। और शेर को आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेके भागता, शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंदा स्वरूपी हड्डी को अपने दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई धर्म का काम करता है तुम्हारी छाती पे सांप लौट जाता है। ये घिनौनी आदत को छोड़ दो। अरे महाराज वो राक्षसों का राजा है प्रभु, अगर वो अनुष्ठान में सफल हो गया ना तो देवताओं की इन भोले भाले महात्माओं की प्रभु आफत आ जाएगी। लेकिन हम किसी के कर्मों को बेकार नहीं कर सकते देवराज इंद्र। हाँ जो जीव जैसा कर्म करता है फल देना तो मेरा अधिकार है, इनकार करना मेरा अधिकार नहीं। बात तो मेरे देवता तुम सत्य सत्य कह रहे हो लेकिन कभी कभी आप भी तो फल देने में भूल जाते हो। तुम कब? सुनो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। जब जब वरदान दिया तुमने तबई तब नौबत आई है, तबई तब नौबत आई है। जब भस्म असुर को भस्म करो प्रभु नरदेव बने लुगाई। आ गया प्रभु तुम्हें याद, भक्तों के पीछे तुम नर से नारी बन गए। भक्तों के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ देवराज इंद्र। तो घूंघट लगा लिया, सिंगार बना लिया, ये भी कोई मतलब है? तुम्हें इंद्रासन की चिंता है? हाँ महाराज। तो जाओ मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। क्या? तुमने अपने कर्मों की सजा तो पा ली है, अब हम बल को दूसरा लोक अर्पित कर देंगे, तुम्हारा लोक बचा लेंगे। जय हो प्रभु। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी। ए चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी भैया, चाल बदल दी जाएगी। देवराज इंद्र तुम निशंत होके जाओ। ठीक है महाराज। देवराज इंद्र तो चला गया मेरे भक्तों, अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए कि मृत्यु लोक में कैसे जाऊं। और जानते हो मृत्यु लोक में आने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत है, वो कौन सी सीढ़ी? माँ। बिना माँ की कोई नहीं आता। अब भगवान बोले मैं किसकी गुच्छा से जाऊं, मैं किस गर्भ से जाऊं? आहा, एकदम दिमाग में आ गया कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज मेरी तपस्या करती है और रो रो के वरदान मांगती है कि हे परमात्मा, हे मेरे प्राणों के रूप, हे मेरे प्राणों के प्राण, अगर मुझे पुत्र मिले तो आप जैसा मिले। भगवान बोले हम अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढने जाएं, अब मौका है। इधर मैया अदिति पूजा के लिए फूल तोड़ रही है, भगवान बहुत सूक्ष्म रूप बनाकर एक फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया अदिति ने फूल तोड़ा और किसी तरह वो नाक से लगाया, भगवान नाक के द्वारा मां के गर्भाशय में पहुंच गए। मां को ये तो मालूम पड़ा कोई हल्की भारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन भक्तों ये नहीं मालूम पड़ा कि जगदाधारी चले गए, संसार के प्रभु ही चले गए। आई है
स्नान किया, कुसुम का आसन डाला, भजन करने को बैठी, हाय जो आंखें बंद की, मां के उदर में पर सबकी पीड़ाएं आने लगी। मैया जी की चौंक पड़ी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। हाय राम मैं ये क्या देख रही हूं, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया। मेरे भक्तों एकदम भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल छोटे नंगे खड़े हैं। मैया ने एक दृष्टि डाली है, उसके बाद प्रभु में तेज इतना था कि मैया प्रभु को देख नहीं सकी। उसने आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं, मेरे उधर से पैदा होकर के खड़े हो गए, इतनी शक्ति तो दे दो मैं तुम्हें देख लूं। भगवान बोले, माँ अदिति आंखें खोलो, तुम रोज रो रो के मेरी तपस्या करती थी और मांगती थी कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो। मैं अपने जैसा कान ढूंढने जाता, मैं अपने जैसा कान ढूंढने जाता, मैं स्वयं आया हूं माँ। और जो माँ ने आंखें खोली, भगवान नंगे खड़े बना छोटे, जैसे हाली बच्चा होता वैसे। एकदम माँ बोली, पुत्र आजा मेरी गोद में, मेरे दोनों स्तन में दूध इतनी जोर से आ गया है, मेरे स्तन फटे जा रहे, आग सी निकल रही मेरे लाल, तू मेरे सीने से लगकर मेरे स्तनों को मुंह में दबा के बारी बारी से स्तनों की आग को ठंडा कर दे मेरे लाल। भगवान बोले, माँ मैं देवताओं के जरूरी काम से आया हूँ, मैं तुम्हारे सीना से लगकर स्तनपान नहीं कर सकता। माँ बोली, माँ बेटा मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे मेरे लाल। भगवान बोले, माँ तुम अपने दोनों स्तन अपने हथेली पे रख लो, मुंह में मुंह फैलाता हूं मैं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे भक्तों, और जो भगवान ने मुंह फाड़ा, अदिति ने देखा भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया, दोनों स्तनों की धाराएं प्रभु के मुंह में गिर रही हैं। भगवान दुग्ध पान करते जा रहे, वैसे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और जो स्तनों का दूध समाप्त हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बामन भगवान को देखा ब्रह्मा जी ने, खड़ाऊं ब्रह्मा जी ने खड़ाऊं जो है अर्पित कर दी। मेरे भाइयों एक बहुत सुंदर सा कंबल दे दिया, मूज का मेखला दे दिया, एक कोपीन दे दी। और मेरे प्यारे भक्तों भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने एक मृगछाला दे दी। ब्रह्मा जी ने तोमा का कमंडल दे दिया, बामन अंगुल के तीन चार साल के लला, आहा तन पे पीतंबर नहीं है छोटा सा कमल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं है तोमा का कमंडल है, गले में कौस्तुभ वैजयंती माला ही नहीं सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर उनकी बगल में मृगछाला दबी है। बामन अंगुल के बना छोटे तीन चार साल के लला। एकदम से माँ अदिति बोली, बेटा ये तो नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद आए और दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए, दंडी सन्यासी। मैया कहने लगी, पुत्र मैं क्या देख रही हूं, खजाना आया और लुट गया, तू सन्यासी बन गया। भगवान बोले, माँ मुझे देवताओं का काम करना है, मैं देवताओं के काम से आया हूं। मां कहने लगी, पुत्र मैं तुझे सीना से लगा के चूम भी न सकी। भगवान बोले, मुझे आज्ञा दे दो मां, जो आज्ञा का नाम लिया है सोई अदिति अपने घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगे। क्यों रोती हो मां, तुम्हें मोह के पीछे क्यों चढ़ा है मां, मैं देवताओं के काम से आया हूं मां। न रो मां, मां तुम्हें मेरी कसम हो मां, जो कसम खवाई मां की हिचकी रुक गई और मां ने कहा, विजय बांधव तेरी विजय हो, अब दंडी सन्यासी बन के चले हैं तीन चार साल के लला, लेकिन शरीर में तेज है। तेज कहां होता है,
तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी की आंखों में तेज होगा। इसलिए पांडाल में बैठे भाइयों, अगर 100 साल जिंदा रहना है, 100 साल जिंदा रहना है, वीर की रक्षा करो। वेदों में मंत्र आता है, वीराम रक्षा में से आयु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र बढ़ती है। ये बीड़ी, सिगरेट, ये गुटखा, ये दारू वीर को क्षय करने वाली वस्तुएं हैं। इनका त्याग करना पड़ेगा तुम्हें अगर 100 साल जिंदा रहना है। सफेद खून की रक्षा करो। भागवत सुनने आए हो, ये वीर रतन अनमोल है, वीरता नाई से शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, ये आत्मा शरीर को छोड़ के रमन हो जाएगी। भाइयों, वेदों में आया है, यही वीर अमृत कहलावे मरे भये तू यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहरायो, ये वीर रतन अनमोल है, बरताना इसे कमाओ। और लिखा है, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। लोगों, बड़े बड़े महात्मा कंधों में सूखे पत्ता और घास खा रहे वीर की रक्षा के लिए, न गांव का मुंह देख रहे हैं, न स्त्री का मुंह देख रहे हैं। कंडरा में जाइए, उत्तराखंड में देखिए, मेरे भैया, इसी पीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। बहुत सुंदर गुरुदेव, मेरे भाइयों, अरे जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह थे बलधारी। और सुनो बेटा, जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद
और भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। मेरे भाइयों, सफेद खून की रक्षा कर लोगे तो परिवार की रक्षा कर लोगे, समाज की रक्षा कर लोगे, देश की रक्षा कर लोगे। और सफेद खून का सपाया हुआ तुम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे और मौत के ग्रास बन जाओगे। इसलिए हमेशा पौष्टिक भोजन करो। ये दारू, अंडा, मांस, ये शरीर को दम देने वाली चीजें नहीं है, शरीर का सत्यानाश करने वाली है, शरीर का सत्यानाश करने वाली है। दूध, दही, मक्खन, इसका इस्तेमाल करो। लेकिन मुझे दुख है, आज हमारा देश वीर से खाली होता जा रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कॉलेजों में प्रोग्राम देने जाते हैं, लड़का लड़कियों के चेहरे देखते हैं तो दिल रोने लगता है। बुझ गए चेहरे, बुझ गए लड़का लड़कियों को ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं। ए भैया, चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी चमक रही ना, जितने योद्धा बैठे सबकी आंखों में झपका लग गया। राजा बल की दृष्टि गई तो सोचने लगा, बड़े बड़े महात्मा देखे, योगी देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। मेरे प्यारे भक्तों, सिंहासन त्याग उठा और चरणों पर गिर पड़ा, नमो नमो निंदनम नमस्कार गुरुदेवता। आज वामन भगवान को सिंहासन पर बिठा लिया। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दामाद, बहनोई, हितू रिश्तेदार आ जाए तो आप समझ लेना मेरे घर में नारायण पधारे हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा देवताओं की सेवा है। राजा बल ने 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से, तो तुम कम से कम अपने मेहमान का 7 प्रकार से तो पूजन करो ही। पहला पूजन, जब कोई अतिथि आ जाए दरवाजे पर, अभिवादन करो, नमस्कार करो, राधा कृष्ण करो। दूसरा पूजन, उसको आसन दे दो। तीसरा पूजन, पानी भर के दो। चौथा पूजन, इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन, जब मेहमान अतिथि तुम्हारे आंगन में भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। कितने लोग पांडाल में बैठे हो जो तुमने अपने अतिथि के आंगन में पैर धोए? कोई नहीं। और भगवान कन्हैया के वंश के बनते हो? भगवान यदुकुल भूषण कन्हैया बताते हो मेरे वंश में पैदा हुए, लेकिन कन्हैया के चरित्र को तो देखा तुमने, चित्र की पूजा में लगे हो। अश्वमेध यज्ञ में गए हैं, दौर का अधीश धर्मराज से बोले, हमें कोई काम बताओ। युधिष्ठिर जी कहने लगे, यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहा है। कहने लगे, नहीं। शिवेंद्र ने, गीता यादव ने,
सात आठ दिन पहले से मेहमान क्यों बुला लिए? मदद के लिए भाई। यज्ञ में, कथा भागवत में हम तुम रिश्तेदारों को जल्दी क्यों बुलाते हो दो चार दिन पहले? मदद के लिए। भगवान बोले तो हम तो आए मदद के लिए, हमें कोई काम बताओ। महाराजा धर्मराज कहने लगे प्रभु न मान रहे हो तो जो कोई निकट हो से तुम करने लगो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखा कि जो मेहमान आ रहे उनको कोई पैर नहीं धो रहा है। धन्य है यादव जी को पैर धो रहे हैं। मेरे कन्हैया ने देखा कोई झूठी पतले नहीं उठा रहा। धन्य है यादव जी झूठी पतले उठा रहे और तुम कन्हैया के वंश के बन रहे हो। सुहूर जमाने में मगर याद यादव का गौरव लग गया मिटाने में। ए मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। कन्हैया के वंश के होश में आ जाओ। तीन सुदामा को लखकर मोहन कहवर के सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। वो उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। भागवत सुन रहा है कर्म नहीं बदल रहा। सब उल्टे काम कर रहे हो। ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सास तो मम्मी और पैर छुड़वा रहे हो। इतने पांडार में बैठे हो 5,000 रुपया दूंगा अभी। और किताब बताओ जिसमें हिंदू किताब में लिखा है कि दामाद 700 रुपए पैर छुड़वाए। 5,000 रुपए दूंगा। ससुर तो कह रहे हो पापा और सास तो मम्मी और पैर छुड़वा रहे हो। अरे तुम तो इतने घिनौने काम करते हो तुम मामा तक पे पैर छुड़वाते हो। मामा तक पे पैर छुड़वाते हो तुम। और तुम चाहते हो जब भागवत सुन के कल्याण हो जाएगा है? आहा। मामा एक बार जिससे माँ कहते हो ना चमड़ा की जूती उसके पैरों को बनवा देना तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। और मामा मैया को भैया तो मामा पिता से भी बढ़कर और तुम मामा पैर छुड़वाते हो। ए लोगों ये उल्टे कर्म तुम्हें नरक की तरफ लिए जा रहे हैं। महाभारत पढ़ा कभी? जब शल्य आता है नकुल सहदेव का मामा दुर्योधन बीच में वचन ले लेता है
और जब आया है तो धर्मराज अपने चारों भाइयों को लेकर मामा के पैरों पर गिर पड़े, शल्य छाती से लगा के कहा, धर्म मामा ना कहो, अब मुझे कसाई कहो। दुर्योधन ने चांडाल चौकड़ी में फांस कर, दुर्योधन ने चांडाल चौकड़ी में फांस करके वचन दे लिया। सोई धर्मराज ने और श्री गजेंद्र सिंह यादव ये प्रधान साहब प्रधानपुर के रहने वाले गुरुदेव जी गले में पुष्पों का हार डाल के 500 एक मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं भगवान ने सुखो शांति। मेरे प्यारे भाइयों, दोबारा फिर छाती से शल्य ने लगा लिया पैरों से उठाकर और कहा कि धर्मराज चांडाल चौकड़ी में आ गया ये मामा तुम्हारा। तो धर्मराज कहने लगे, मामा अगर तुमने वचन दे दिया तो वचन न बदलो, लेकिन मेरा एक निवेदन है। फिर दोबारा तीसरी बार पैर छुए तो हाथ पकड़ के क्या बात बताओ। जवाब दिया कि जिस समय कर्ण और अर्जुन का मुकाबला हो तो कर्ण के मनोबल को घटाते रहना मामा श्री, बस। और दूसरा प्रमाण और प्रत्यक्षम के प्रमाणम, जाइए महाराष्ट्र में, गुजरात में, मामा आएगा, भांजियों भांजियां पैरों पर गिरेंगे। बिहार में जाइए, मामा आएगा, लड़का लड़कियां जो भांजे भांजियां पैरों पर गिरेंगी। दामाद आएगा, सास ससुर के पैर छुएगा, बड़े साले के पैर छुएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार ये कहां लिखा है कि दामाद पैर छुए, जे तुम्हें रामायण में लिखा है। सासु समीप गए दो भाई, ओ फिरे बंधु पग आशीष पाई। रामायण में लिखा है कि राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनेना सास के पास गए, जब इन्होंने चरणों का स्पर्श किया तो सास ने आशीष दी है, आशीर्वाद लेकर दोनों भैया वापस हुए। और तुम सास ससुर पे पैर छुलवाते हो, सब काम उल्टे कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं, धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं, उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं, और आधार की भागवत सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। न दारू छोड़ रहा है तू, न गुटखा छोड़ रहा है, न बीड़ी छोड़ रहा है, न बुरे कर्म छोड़ रहा है। ढोल तमाशा देखने आए हो, देख लो ढोल तमाशा क्या होगा, इससे पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसीलिए विनाश को रोकिए। मेरे भाइयों, पांचवा पूजन मेहमान के पैर धो, छठवा पूजन मेहमान को बड़े प्रेम से भोजन कराओ, सातवा पूजन जब मेहमान भोजन करके चारपाई पे आ जाए तब बड़े प्रेम से पूछो, घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देखते कोई हितू रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, ओ से पानी भर के दाओ, घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कान लगो, तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ली। मेहमान बोलो, तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। पूरे घर में छाती कूट कूट के रोने लगे, मेहमान भूखा भागा भूखा बैठा। मेहमान को पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक भोजन न करा था। मेरे भाइयों, अरे बात तो कोई घटना घट गई, बेचारा खबर लेके आया और आते ही आते पूछ लिया कि घर में सब लोग ठीक हैं, कहने लगा तुम्हारे दामाद को एक्सीडेंट हो गया। लोग दहाड़े मार के रोने लगे, मेहमान प्यासा बैठा भूखा बैठा। मेरे भाइयों, आज राजा बल ने 16 प्रकार से पूजन किया और हाथ जोड़ कहा कि हे दयाराम, आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। सहले सहले न माड़े का मोक तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत चंदनों बने बने, संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते और जिनके दरवाजे पर महात्मा पहुंच जाते हैं वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, दास के लायक कोई काम हो तो बताओ। हे राजा बलि, हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो और तुम यज्ञ भी कर रहे हो, थोड़ी सी दान की इच्छा लेकर के आपके पास में आया हूँ राजा। महाराज, इतना बड़ा तो दानी नहीं हूँ जितना आपने नाम सुना है। बहुत नाम सुना है आपका। इतना जरूर है कि दो चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी पराये हित में दे देते। हे राजा बलि, वो दो चीजें कौन सी है जो आप नहीं देते? बता दूंगा, जो पंखा चलवा दो, गर्मी लग रही है। न
न्याय अनुसार दंड देने में न देर करे, शक्ति अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे आधार सन आयु से अभेदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दुई चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को, दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई बहन बेटी कितनी सुंदर हो, एक नजर डाल के दोबारा घूर घूर के बुरी दीठ नहीं देता, और मैं सब कुछ दे देता। तो हे राजा बलि, इन चीजों की महाराज हमको जरूरत भी नहीं है। नहीं जरूरत है तो मेरे प्राण मांग लो। ऐसे नहीं राजन। कैसे? पहले आप तिरवाचा भर दीजिए, तब हम दान मांगेंगे। महाराज मर्दों की बात हुआ करती है। हाँ, मर्द एक बार अपने मुंह से कह देता है, उसकी जिंदगी जा सकती, जवान नहीं जाती। हे राजा बलि, आप क्या कह रहे हो? हमने बड़े बड़े मर्द देखे हैं, जिनके मुंह पे पूरा जैसी मूछे हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी बात का ठिकाना नहीं है। ये कोई जरूरी थोड़ी कि मूछों वाला मर्द ही हो, हमने बहुत सी औरतों के मूछे देखी हैं। क्या कहा? बहुत सी औरतों की मूछे देखी हैं। तो मर्द की कुछ पहचान होती है? मर्द की पहचान होती है। तो आप बता सकते हो? हाँ, तो बताइए। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए, जिनका मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए, जिनका मर्द और बताइए, किसी का कभी ऐसा न ले सुधर गर्दन में कभी चंदर से शीशु उतर जाए, आए न कम और बताइए। सुन रहा हूं। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बचाए, दुश्मनी करे तो ये मर्द की पहचान है। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, है दुश्मनी करे दुश्मन के लोगों का प्यासा बन जाए। मांग लीजिए, निश्चिंत होकर मांग लीजिए देव। नहीं नहीं राजन, पहले आपको त्रिवाचा तो भरनी पड़ेगी। तो भान हुए उदयागर में कजरीबन काट फरे के बहुना, जीवन में एक स्वान चले तो चले घुमसाए चुपे के बहुना, ऐसी बात गमारन की मोसे के करे कबहूना, अन्नन में एक अंडक कपूत पके लटके चटके कबहूना, नारपति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबहूना, ऐसी बात असीलन की मोसे के बदले कबहूना। मांग लो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो सुनिए राजन, अब मैं मांग रहा हूं। मांगो। चाहिए तेरी धन दौलत और ना चाहिए तेरी भूमि रकम। फिर क्या चाहिए? सुनो, कर दे सकते हो तो तोरा जन्मोई धरती सारे तीन कदम। कर दे सकते हो तो तोरा जन्मत धरती सारे तीन कदम। सारे तीन कदम धरती, सारे तीन कदम। महाराज ये तो है तुच्छ दान, मुझे नहीं लग रही शरम,
तो 350 दून धरती इतनो दान देवे मो शर्म लगे कछु और ले लियो बस राजन कछु और ले लियो मो लाज लग रही बाबा और ले लियो मोए शर्म लग रही बाबा और ले लियो मोए बाबा हां कछु और मांग लियो बस राजन हाथी ले लो घोड़े ले लो हाथी ले लो हाथी ले लो घोड़े ले लो घोड़े ले लो नहीं नहीं राजन नहीं अरे सोने चांदी चिन्ने के कह दे मोए शर्म लग रही बाबा और ले ले मोए लाज लग रही बाबा मांगा 3.5 कदम धरती कम से कम हमारी औकात देख के मांगो ना हे राजा बलि संतों को ज्यादा की जरूरत नहीं है महाराज जी बताओ हाँ तुम्हें नापियो के ऊपर नपवायो हे राजा बलि हमें काउ लेखपाल और पटवारी की जरूरत ना है हम तो स्वयं नाप लेंगे महाराज तुम्हें छोटी छोटी पाइया छोटी छोटी बइया और तुमने नापो तो पीड़े उबर जगह पल्ले नहीं पाए हाँ और हमारे पास जो बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं का चिमटा बैठे का झींका बैठे हैं हाँ जो 16-16 रोटी एक बार में खाते हैं जरा इन पे नपा लो ना नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं स्वयं नाप लूंगा इनका मुझे भरोसा नहीं है अगर महाराज यही बात है तो नाप लो तो पहले आप संकल्प तो छोड़ दीजिए राजन भक्तो संकल्प नंबर आया राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए और जो आचार्य ने बटू महाराज को देखा समझ गया वो चतुर ब्राह्मण बामन अंगुल में तीन लोकों का स्वामी राजा बल को इशारा दिया राजा बल धराव राजा बल पहुंचे भगवान बोले बलराज तैयार हो जाओ और बल से शुक्राचार्य ने कहा जो बटुक बैठो जो कब को आओ जवाब दिया 2 घंटे हो गए कछु मांगो तो ना है जवाब दिया 3.5 कदम धरती मांगी शुक्राचार्य बोले मना कर दे मना कह दे हम नहीं दे पाएंगे।